the Chancellor of Cuts, Dr. Mahesh Sharma, the Honorable Minister of Culture, Chairman Mr. Ravindra Singh, Secretary, Mr. Sanjeev Mittal, Joint Secretary, Ministry of Culture and Dr. Lalit Panwar, Secretary, Ministry of Tourism, Government of India, visit Central University of Tibetan Studies on 24 December 2014. Honoring the visiting dignitaries, Vice Chancellor introduced about the programs and activities undertaking in the university. विश्वविद्यालय में सन 1967 में इसका विधि रूप से इसको बनाया गया है और इसका चार जो मुख्य इसका उद्देश्य है पहला उद्देश्य है तिब्बती संस्कृति और परंपरा जो नालंदा परंपरा कहा जाता है उसका संवर्धन संरक्षण और संवर्धन दूसरा है कि पूरे हिमालय क्षेत्र भारत के है पहले तिब्बत में जाते थे चल रहे हैं और अंतिम में मैं पूरे तिब्बती समाज से कि हम लोग यहाँ लगभग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं आतिथ्य भाव में और हमको सरकार के माध्यम से और जनता के खूब प्रेम और मोहब्बत से हम लोगों को ये जीने दिया और अपने संस्कृति को और उजागर करने के दिया इसलिए हम आपका भारी है आपके पूरे आपके माध्यम से आप ये कहना चाहता हूँ धन्यवाद जो ये हमारे प्रोफेसर मिश्रा हैं हमारे एक रत्न है और प्रोफेसर हमारा रामशंकर जी है ये भी एक रत्न है और एक है हमारे गेशे थपके जी प्रेम जो हैं तिब्बती है गुरुजी तिब्बत से आए हुए हैं तो वो अभी भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनका आशीर्वाद हम लेते हैं और हमारे यहाँ पूरे जो पांचों फैकल्टीज के डीन हेड और रिसर्च के जो हमारे हैं चार हैं उसके डीन हेड और लाइब्रेरी के हैं और स्टूडेंट यूनियन के जो है हमारे सब यहाँ उपस्थित हैं और ज़्यादा मैं समझ ना करके आपका आशीर्वचन और हम सो करें और जिससे हमारा वो तो बहुत बहुत धन्यवाद बस परिचय देने से एक नव नालंदा महाविहार से पंत जी भी आए हाँ पंत जी भी आए तो दूसरी संस्था है हमारी और एक ये ताशी बाबू जी ताशी बाबू जी फ्रॉम अरुणाचल तो वहाँ की अलग संस्था है जी तो आज सर आप तीन संस्थाओं का एक तरह से जो बहुत जी जी स्टडी से लिंक है तो आज तीनों का एक तरह से संगम यहाँ हो रहा है सीबीआई तो नहीं है लेकिन हमारे ये वांगचू ही है तो डॉक्टर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँ सर बस इनका परिचय हो गया सर इनसे बस दो ही रिक्वेस्ट है सर एक तो ये जो सोवा रिगपा का है जी 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 नेगी साहब भी नेगी साहब है नेगी साहब जी जी ले जी ले सर तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सोवा रिगपा का जो है वो आयुष जो मंत्रालय है वो भी उसको पार्टली वित्त पोषित करना चाह रहे हैं टू एक्सपेंड इट तो अगर वो योजना आप जल्दी बना दें ऑनरेबल मिनिस्टर आल्सो एड्रेस्ड द फैकल्टी मेंबर्स एंड डिपार्टमेंटल हेड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी भारत का तिब्बत के साथ एक जज्बाती और आत्मीयता का रिश्ता रहा है आजादी काल से लेकर अब तक चाहे कोई सरकारें बदली चाहे कोई प्रधानमंत्री बदले लेकिन इस रिश्ते की गरमाइश में कभी कमी नहीं महसूस हुई तिब्बत
के वासियों की समस्याओं से भारतवासी परिचित हैं और भारत की सरकारें और वर्तमान सरकार भी उसी पूरी तरह से चिंतित है। कष्ट होता है जब हम ये महसूस करते हैं कि मेहमान की तरह से आप रह रहे हैं हमारे पास। अब ये घर आपका घर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तिब्बती सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारा मंत्रालय और हमारी सरकार कृत संकल्प है कि इस सभ्यता को पोषित किया जाए, संरक्षित किया जाए, संवर्धित किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे जिस चिंतन में हम लोग लगे हुए हैं कि अपनी तिब्बती सभ्यता, अपनी जो अभी सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि इस दवाई के बारे में, सोवा रिग्पा के बारे में रिसर्च, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर भी हूँ और मैं प्राकृतिक चिकित्सा और हमारी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी बहुत विश्वास करता हूँ। हालांकि मैं एलोपैथी चिकित्सा का डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से शुरू हुई, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से शुरू हुई और आज भी हमारी विधाएँ, हमारी जड़ी बूटियों में इतना कुछ है कि जो हम विश्व को दे सकते हैं। अपनी इस दवा सोवा रिग्पा के बारे में सचिव महोदय ने जो मुझे बताया है, इसमें और रिसर्च कर पूरे विश्व पटल पर हम इसको रखें, ऐसा हमारी सोच बनेगी। कुछ समस्याएं जो हम यहाँ से, जो स्टूडेंट्स का कम होना है, स्टूडेंट्स की रेशियो का जी, जो है शिक्षक स्टूडेंट्स की रेशियो का, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं कि समस्या को समाधान किया जाए। इस संस्था को हमारा मंत्रालय भी और सरकार भी पूरा महत्व देती है और आगे भी देती रहेगी। आपसे जुड़ी हुई और भी जो समस्याएं हैं संस्थान की, हम लोग जाने से पहले यहाँ से उन सबको लेकर जाएंगे। हमारे ओएसडी हैं श्रीमान सोनी जी, सचिव हैं संजीव मित्तल जी, ये सब लोग आपसे अभी जो जो और ज़रूरत हैं संस्थान की उनको हम लेकर जाएंगे। और उस बीच में भी हमारा और आना जाना, क्योंकि वाराणसी के विकास का भी हम लोगों ने अभी जिस रास्ते से हम चलकर आए हैं, हम समझते हैं इस स्थान को आने का रास्ता भी उतना सुंदर नहीं है जितना होना चाहिए। कष्टदायक है, हम लोग तो देसी लोग हैं लेकिन विदेशी टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो उन्हें दिक्कत होती होगी। तो इस रास्ते के उत्थान के लिए, जीर्णोद्धार के लिए भी और क्या किया जा सकता है, प्रदेश सरकार से हम लोग विचार करेंगे और अपने इस संस्थान के डेवलपमेंट के लिए हम सब लोग वह प्रयास करेंगे जो उचित रूप से होने चाहिए। और आप सब लोग अपना सुझाव, जरूरी नहीं कि आप इस इंतजार में कहें कि सचिव महोदय या मंत्री जी यहाँ आए, इस बीच में भी बैठे बैठे आप हमें सुझाव वहाँ दे सकते हैं और उन सुझावों का वहाँ बैठकर भी हम लोग चिंतन कर इसके विकास के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपके स्वागत, आपके आतिथ्य का धन्यवाद देता हूँ। आप टूरिज्म में PhD हैं, जो PhD आप पढ़ा रहे थे, आप टूरिज्म में PhD हैं और यहाँ को इसके डेवलपमेंट के लिए आज आपका पूरा मंत्रालय आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आप सभी को पुनः प्रणाम। डॉक्टर ललित पवार हैं, ये PhD हैं अपने विषय पर्यटन विभाग में। जी जी, Hon'ble Minister visited Sarnath along with Secretary and Joint Secretary, Ministry of Culture, Secretary and other official of Ministry of Tourism, where the Ministry of Culture has organized a Buddhist festival and exhibition of Buddhist, Tibetan and Himalayan culture at the Archaeological Museum, co-ordinated by Sarnath, CBIS, CIHCS and Nava Nalanda Institute, Bihar. The exhibition opens from 25th of December and concludes on 29th of December 2014. Thank you.
ये काल चक्र है, काल चक्र कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी टुगेदर इन बिटवीन विद दिस फिलॉसफी। ओके, ये इसका देवी है, एक विंशति आर्य तारक स्तोत्र है, हम लोग हमेशा पाठ करते हैं, तो इसमें जो ग्रीन जो है मुख्य है। पहाड़ में जाकर के सिखाते हैं जी, जी, जी। इसका थोड़ा सा लिटरेचर मिलेगा। ये हम लोग यहाँ का प्रोडक्ट है, ये जो किसे बन जाएगा वो चाहते लोग सिखाते। राजगीर श्रावस्ती में वैशाली और संकर्षी बाकी जो चार जी सर, ये सारे सारे पीपल का महत्वपूर्ण संकर्षी यूपी में है, वैशाली बिहार में पड़ता है। सर वो यही जो है लेटर ऑन सेवंथ सेंचुरी में शेनसांग ह्योनसांग के टाइम में ये पूरा का पूरा उनका ट्रेवलॉग है और उन्होंने जो जो स्थान बताए वो सारे के सारे अब हम लोग चाहते हैं कि वो प्रोजेक्टेड रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो चाइना ने रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया है, जैसे वहाँ लिंगशान सर आप होके आए थे, दैट इज वो उसको राजगीर ऑफ चाइना करके डेवलप कर रहे हैं। Thank you.
और साउंड एंड लाइट पूरे कैंपस में लाइटिंग विल बी परमानेंट एंड साउंड एंड लाइट भी करना है। दो विषय ये लाइटिंग मंत्रालयों का जिम्मा मुझे दिया है। अब मैं समझता हूँ कि भारत के पास जो 8 भगवान बुद्ध के स्थल हैं उनमें से 7 स्थल भारत के पास हैं और विशेष योजना के तहत बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में 100 करोड़ रुपए की ये योजना है जिससे बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप किया जाए। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रदेश सरकार से भी प्रार्थना करेंगे कि वाराणसी एक धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक महत्व है इसका, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पर्यटक स्थल और घाटों का जीर्णोद्धार और उनकी सजावट के लिए विशेष योजनाएं भारत सरकार की तरफ से चलाई गई हैं जिनके प्रयासों का फल आपको थोड़े समय में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सारनाथ में विगत कुछ सालों से कुछ योजनाएं धूल भाग रही हैं जैसे लोटस पार्क, बुद्धा थीम पार्क। देखिए ये आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ योजनाएं उनको इतना लंबा समय लग गया है उनको ख़त्म होने में। हम कुछ इस विषय पर योजना बना रहे हैं कि जो जो योजनाएं यहाँ पर आएँ पर्यटक के नाम से उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग अपनी देश की सरकार वहाँ पर करती रहे और समयबद्ध सीमा में वो काम पूरे हों, इसके लिए तुरंत योजना। आज हमारे साथ पूरे हमारे अधिकारी, पर्यटन के सचिव और संस्कृति विभाग के सचिव भी आज हमारे बीच में साथ आए हैं और इसका मकसद यही, सभी अधिकारीगण आज यहाँ पर हैं, तो मैं समझता हूँ इन सबके साथ इस व्यवस्थाओं में थोड़ा सा बदलाव आएगा।